तो स्टूडेंट्स, आपने जो पहला टॉपिक नॉर्मली क्लास 11th की मैं बात कर रहा हूँ कंप्लीट किया होगा, तो आज हम सेकंड टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, दैट इज फंडामेंटल राइट्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पर ब्रीफली कि ये फंडामेंटल राइट्स क्या है। व्हाट डज फंडामेंटल राइट्स मीन? फंडामेंटल राइट्स के बारे में दो चीजें आपको बेसिक याद रखने हैं। फर्स्ट, दीज आर दोज राइट्स विच आर ग्रांटेड एंड गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट। यानी कि जो राइट्स सिटीजन्स को या मुल्क में रहने वाले लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशली मुहैया करती है, या और उसके साथ साथ उनकी जमानत भी देती है। यानी कि अगर उनकी कहीं वायलेशन हो जाएगी तो उस सूरत में कॉन्स्टिट्यूशन में ही एक मैकेनिज्म होता है जो उस वायलेशन के साथ डील करता है। फर्स्ट थिंग, यानी कि फंडामेंटल राइट्स आर दोज राइट्स विच आर ग्रांटेड एंड गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी बात, ये जो फंडामेंटल राइट्स है, दीज आर दोज राइट्स विच आर फंडामेंटल। फंडामेंटल को हम यहां डिक्शनरी मीनिंग ले लेंगे। फंडामेंटल मीन्स बेसिक, इसको हम दूसरे लफ्ज में बुनियादी कहेंगे, या जो एसेंशियल होते हैं। एसेंशियल किस चीज के लिए? फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनालिटी। एक शख्स की शख्सियत को उभारने के लिए, डेवलप करने के लिए जो राइट्स बेसिक है, फंडामेंटल है, उन्हीं राइट्स को फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। तो यहां पर दो चीजें फंडामेंटल राइट्स के मुतलक ले होंगे। फर्स्ट, फंडामेंटल राइट्स आर दोज राइट्स विच आर ग्रांटेड एंड गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड, फंडामेंटल राइट्स आर दोज राइट्स विच आर बेसिक और एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। ये हो गई ब्रीफ मीनिंग ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अब यहां पर हम जाएंगे फंडामेंटल राइट्स एज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वो फंडामेंटल राइट्स जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एनश्राइन किए गए हैं, यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रांट करती है और गारंटी करती है, उन्हीं फंडामेंटल राइट्स की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे लोकेशन ऑफ दीज राइट्स, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के किस पार्ट में ये राइट्स दर्ज है। तो यहां पर एक बात क्लियर होती है, दीज आर एनश्राइन्ड इन पार्ट थर्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दिस पार्ट थर्ड, इट स्टार्ट्स फ्रॉम आर्टिकल 12 एंड एंड्स एट आर्टिकल 35। पार्ट थर्ड में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है फंडामेंटल राइट्स ग्रांट करती है और गारंटी करती है। तो ये पार्ट थर्ड जो है स्टार्ट होता है आर्टिकल 12 से 35 तक, और इसके साथ साथ ये जो राइट्स एंड फ्रीडम्स है, राइट्स एंड फ्रीडम्स ओरिजिनली दे वर 7, ये 7 थे, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी इस कैटेगरी से डिलीट किया गया। यानी कि फंडामेंटल राइट्स से राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट किया गया। ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही अभी है, लेकिन एज अ फंडामेंटल राइट नहीं है। तो ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है, इसको डिलीट क्यों किया गया, कैसे डिलीट किया गया,
वजूहात क्या थे उसके, ये कहां पर है इस वक्त, इट्स अ सेपरेट टॉपिक एंड इस पर डिस्कस दूसरे सेशन में होगा। तो यहां पर नाउ अब कितने रह गए, देयर आर ओनली सिक्स फंडामेंटल राइट्स एनश्राइन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, छह फंडामेंटल राइट्स है। इन ही छह फंडामेंटल राइट्स की हम बात करेंगे। ये जो राइट्स एंड फ्रीडम्स यदि सिक्स है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, वो जब हम डिस्कस करेंगे वो स्टार्ट हो जाएंगे आर्टिकल 14 to 32। मैंने कहा पार्ट थर्ड स्टार्ट डील्स विद फंडामेंटल राइट्स, वी स्टार्ट फ्रॉम आर्टिकल 12 एंड एंड्स विद आर्टिकल 35, बट द राइट्स एंड फ्रीडम्स हैव बीन ग्रांटेड एंड गारंटीड फ्रॉम आर्टिकल 14 to 32। अब जो आर्टिकल्स यहां रह रहे हैं वो है आर्टिकल 12, आर्टिकल 13, 33, 34, 35, और इनमें से भी एक आर्टिकल है आर्टिकल 31। ये आर्टिकल 31 कहां है, ये इस पे हम बात नहीं करेंगे, यू विल मिस इट इन द नेक्स्ट सेशन, दैट इज इन द डिस्कशन। ये कहां गया, इसी में राइट टू प्रॉपर्टी था आर्टिकल 31 में, इसको डिलीट किया गया है, तो डिस्कशन में ये आर्टिकल 31 नहीं आएगा। नंबर टू, डिस्कशन जब हम करेंगे फंडामेंटल राइट्स की, सिक्स फंडामेंटल राइट्स को, तो वो स्टार्ट होते हैं 14 से, एंड होता है 32 पर। ये आर्टिकल्स कहां जाते हैं, ये आर्टिकल्स कौन से आर्टिकल्स है, ये आर्टिकल्स जो है ये डील करते हैं फंडामेंटल राइट्स के साथ ही, आर्टिकल 12, आर्टिकल 13, आर्टिकल 33, आर्टिकल 34, आर्टिकल 35। ये फाइव आर्टिकल्स है, इन फाइव आर्टिकल्स को कहते हैं गवर्निंग कम रेगुलेटरी आर्टिकल्स। ये इन फंडामेंटल राइट्स को गवर्न करते हैं, रेगुलेटिंग आर्टिकल्स। ये जो फाइव आर्टिकल्स है, दीज आर कॉल्ड गवर्निंग कम रेगुलेटरी आर्टिकल्स, दे डील विद फंडामेंटल राइट्स। कहीं कहीं डेफिनेशन होती है, फॉर एग्जाम्पल व्हाट डज द स्टेट मीन, बार बार हम कहेंगे स्टेट शैल नॉट इंटरफेयर, स्टेट शुड नॉट अलाउ, स्टेट शुड डू दिस, स्टेट शुड नॉट डू दिस, तो ये सभी स्टेट जो है ये टर्म एक्सप्लेन की जाती है। क्या दूसरे लफ्ज में, क्या ये किन किन लोगों पे अवेलेबल हो जाए, क्या ये ऑनली फॉर द सिटीजंस ऑफ इंडिया है, क्या ये दूसरों के लिए, या क्या ये सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए है, आर्मी फोर्सेज के लिए, ये सभी चीजें इन्हीं आर्टिकल्स में क्लियर किए गए हैं। यानी कि फंडामेंटल राइट्स को ये आर्टिकल्स गवर्न करते हैं या रेगुलेट करते हैं, इसीलिए इन आर्टिकल्स को कहते हैं गवर्निंग काम रेगुलेटरी आर्टिकल्स। तो जब हम डिस्कशन करेंगे वहां पर 14 to 32 ही डिस्कशन में आएगा, ये पांच आर्टिकल्स जो है ये डिस्कशन में नहीं आएंगे। दूसरी बात, अब यहां लोकेशन का हमने क्लियर किया, अब हम यहां दूसरी बात क्लियर करेंगे कि ये जो फंडामेंटल राइट्स है हमने इनको कहां से बारो किया। These fundamental rights have been borrowed from the Constitution of USA. Constitution of USA. So therefore, ये तो लेकिन एक बात आपको यहाँ क्लियर करनी है कि fundamental rights जो Indian Constitution में है, ये वो fundamental rights नहीं है जो USA के लोगों को available है। इनमें difference है एक दूसरे में। दूसरी बात, वहां की जो फंडामेंटल राइट्स है वो एब्सोल्यूट टर्म्स में है, यहां फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं है। सो लेकिन जो चैप्टर है इट हैज बीन वहां, और दूसरी बात, वहां इन फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल राइट्स नहीं कहते हैं, दे आर कॉल्ड देयर द बिल ऑफ राइट्स। सो दीज हैव बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। तो यहां पर हमने तीन चीजों के साथ डील किया। नंबर फर्स्ट, व्हाट डज फंडामेंटल राइट्स मीन। नंबर टू, Where does these fundamental rights are located in constitution? How many fundamental rights are presently there? How much were there at the inception of the constitution in 1950? तीसरी बात हमने यहां देखी कि ये constitution fundamental rights जो है ये हमने किस constitution से borrow किए हैं। तो यहां पर मैं आपको ब्रीफ के दे दूंगा, इसके बाद डिस्कशन आएंगे। तो ये fundamental rights जो है, पहला फंडामेंटल राइट है इट इज राइट टू इक्वेलिटी। राइट टू इक्वेलिटी जो है ये आर्टिकल 14 से 18 तक डिस्कस किया गया है इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दूसरा फंडामेंटल राइट दैट इज राइट टू फ्रीडम,
It has been discussed from Article 19 to 22. Tisra fundamental right, it is right against exploitation. Right against exploitation you have, it is also a fundamental right. It has been discussed in Articles 23 to 24. Chautha fundamental right, right to freedom of religion. Freedom of religion jo hai, it has been discussed from Articles 25 to 28. Jo chautha hai, panchwa hai yahan par, cultural and educational rights. Cultural and educational rights. ये जो राइट्स है ये डिस्कस किए गए हैं 29 एंड 30 आर्टिकल में. सिक्स्थ फंडामेंटल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज. कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज जो है दिस हैव बीन डिस्कस्ड इन आर्टिकल 32. यहां पर 31 मैंने लिखा आपको ये नहीं आएगा, इसमें राइट टू प्रॉपर्टी था वो डिलीट हो गया. 33, 34, 35 ये गवर्निंग कम रेगुलेटरी आर्टिकल्स में आता है. तो ये जो है प्रेजेंटली देयर आर सिक्स फंडामेंटल राइट्स. व्हाट इज द फर्स्ट फंडामेंटल राइट? राइट टू इक्वालिटी, इट हैज बीन डिस्कस्ड फ्रॉम आर्टिकल 14 टू 18. राइट टू फ्रीडम, इट हैज बीन डिस्कस्ड फ्रॉम आर्टिकल 19 टू 22. Right against exploitation, it has been discussed from Article 23 to 24. Right to freedom of religion, 25 to 28. Cultural and educational rights, jinko minority rights bhi kehte hain, these have been discussed from Article 29 to 30. Right to constitutional remedies, it is discussed in Article 32. In sabhi rights ko hum alag alag discuss karenge next session mein. Aaj ke liye itna hi. Thank you.